नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। मोतिहारी जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक द्वारा अरेराज अनुमंडल में आम लीची फसल उत्पादन से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यशाला में उन्होंने कृषि के महत्व को बताते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कृषि सभी क्षेत्रों को जोड़ता है, अर्थात कृषि का विकास से अन्य विकास संबंधित है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में लीची के उत्पादन में मुजफ्फरपुर एवं चंपारण दो जिला सबसे आगे है और भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में लीची का उत्पादन होता है। अतः लीची फसल उत्पादन के तकनीक पहलुओं को विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लीची फसल एक अल्प अवधि वाला फसल है, अतः इस अल्प अवधि में लीची का प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर सही समय पर चला जाए। लीची फसल के साथ मछली पालन, मधुमक्खी पालन, गाय पालन आदि में भी मोतिहारी जिला आगे बढ़ सकता है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार की कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, उनका लाभ किसान अवश्य उठाए। सरकारी लाभ के द्वारा उन्नत किस्म के बीज और अन्य संसाधन की आपूर्ति होती है, जिससे किसानों की कृषि पैदावार दोगुना और आमदनी भी अच्छी होगी। इस कार्यशाला में अनुमंडल के सभी पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, पीढ़ी आत्मा एवं लीची उत्पादन, मछली उत्पादन एवं अन्य किसान उपस्थित थे। मोतिहारी संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। प्रोसेसिंग के दृष्टिकोण से हर वैरायटी का अलग अलग महत्व है। कुछ लोगों से पल्प बहुत अच्छा मिलता है, जैसे ये यस इंडस्ट्रीज ने जो बनाया है वो यही का है, अपने ही यहाँ का है। हम कुछ दिनों पहले यहाँ आए भी थे, पर आप सबको खुशी होगी कि जो पांडे जी का जो फैक्ट्री था, हम गए वहाँ पे, तो जो पल्प आया था वो पल्प जो सीजन बड़ा होता है, लंबा होता है, लीची का नहीं होता। लीची का शॉर्ट सीजन रहता है और 10-15 दिन में ही बम्पर क्रॉप हो जाता है। अगर उसमें आप सेल कर गए तो कर गए, नहीं कर गए तो, जैसे लॉकडाउन में हमने देखा